लुधियाना के गुरुद्वारा कुटिया साहिब जमालपुर विखे कौंसलर पाल सिंह गरेवाल की अगुवाई के इलाके समूह संगतों वालों मानवता की भलाई लिए महान कीर्तन दरबार सजाया गया, जिस इलाके संगत ने वड्डी गिनती हाजरी लगा के अपना जीवन सफल किया। इस समागम दौरान संगतों नूं गुरु नाल जोड़न दे लई जिथे अमृत संचार करवाया गया उथे ही उच्च कोटि दे कीर्तनी जथियां द्वारा गुरबाणी कीर्तन राही आईआं संगतां नूं संदेश दिता कि प्रभु परमेश्वर दा नाम जपदिआं उसदे दिखाए मार्ग ते चलना चाहिदा है। इस मौके पाल सिंह गरेवाल ने भी कहा कि इस समागम समूह संगतां दे सहयोग दे नाल लोकां दी भलाई लई अते सिक्खी दे प्रसार अते प्रचार दे मकसद नाल हर साल करवाया जांदा है। इस समागम विच विशेष तौर ते सहयोग देण वालियां सहयोगी संगतां दा जसपाल सिंह गरेवाल वल्लों धन्नवाद भी कीता गया। जमालपुर अवाणा चंडीगढ़ रोड विखे कीर्तन दरबार जो कि पिछले काफ़ी सालों तो असं लगातार करवा रहे हैं, उस लड़ी तहत अज भी इतने गुरद्वारा साहब कुटिया साहब तो वो नगर की वो कीर्तन दरबार चल रहा है। ये कीर्तन दरबार सारे ही पिंड के इकट्ठ नाल इलाके के सहयोगियों सैक्टर 38 या नाल लगती जिन्नी भी संगत ने सारे इकट्ठे होकर हर साल अपना अपना सहयोग जिन्ना भी है विच पा के वह नगर कीर्तन दरबार असी करवाने। ये कीर्तन दरबार लोगों की भलाई वास्ते लोगों की कामयाबी वास्ते और लोग भलाई वास्ते। वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। अज धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के 350 साल समर्पित जमालपुर गुरद्वारा कुटिया साहब पिंड का संयोग तो सैक्टर 38 सैक्टर वालों महान कीर्तन दरबार करवाया जा रहा है नाल अमृत सचार ये काफ़ी देर तो करवा रहे हैं। सानू साडे कौंसलर सरदारपाल सिंह गरेवाल लाली गरेवाल जी का होर सारे का बहुत सहयोग आ, इसलिए यह जिहड़ी अज की पीढ़ी नशियां दे वल जा रही आ एक नशियां करके इधर नूं लाउण लई ते एक सिख धर्म के प्रचार वास्ते जो भी गुरद्वारा कमेटी प्रबंधक कमेटी महान कीर्तन दरबार साहब करवा रही है उसकी शलाघा मैं उन्होंने सारी संगत का कमेटी का धन्यवाद करता। वाहिगुरु जी। लुधियाना तो राकेश गर्ग, चैनल 2।